भगवान जाने अब क्या होगा। एक तो पापा की ये उम्र और उसके ऊपर अब ये पैरालिटिक स्ट्रोक भी, पता नहीं इस हालत से वो उभर पाएंगे या नहीं। या हो सकता है कि वो मेरा साथ देने के लिए आ जाए। बस वो ठीक हो जाए और कुछ नहीं। वो ठीक हो जाएंगे। अगर दीवान ठीक हो गया तो फिर वो तुमसे यहां से जाने को कहेगा और तुम्हें आर्यन से हमेशा के लिए दूर कर देगा। जो भी हो वो ठीक हो जाएंगे। ओह, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम आर्यन को हमेशा के लिए खो भी दो तब भी। क्यों? इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात की परवाह है और वो ये कि मेरे नाना जी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन खुशी, वो तो ये सोच रहे हैं कि उनकी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई है और तुमने उनकी ये हालत इसलिए की है कि वो तुम्हें आर्यन से दूर ना ले जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया था। और तुम क्या सोचती हो खुशी, मैं तुम्हारे नाना जी को सच्चाई बता दूंगा और बस? नहीं नहीं खुशी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं। आज तुम्हारे नाना जी तुम्हारे खिलाफ हुए हैं और तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का हर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं। बस आपको यही करना आता है ना, लोगों के दिल और दिमाग में जहर भरना। खुशी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? मेरी बात क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों, अब तक जो आप कर चुके हैं क्या वो काफी नहीं है? बेटा यहाँ कोई नहीं है। वो काफी नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं समझती हो कि मैंने क्यों वो सब कुछ किया? क्या तुम नहीं समझती हो कि मेरे पास वो सब कुछ करने के लिए बहुत बड़े बड़े कारण थे? कैसे कारण? मैंने जो किया था सब मुझसे अनजाने से हो गया था। तब तो मैं एक छोटी बच्ची थी, 5 साल की छोटी बच्ची। मुझ में इतनी अकल कहाँ कि मैं समझ पाऊँ मैं क्या कर रही हूँ, मगर आपने तो सब सोच समझ कर किया और बहुत गलत किया आपने। खुशी, खुशी, ये तुम किससे बातें कर रही हो बेटा, किससे? आपके दिल में जहर भरा हुआ है खुशी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। खुशी ये क्या हो रहा है तुम्हें? अच्छा तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है और जो कुछ तुमने किया वो गलत नहीं है? सोचो खुशी, जरा सोचो। आज से कुछ ही दिनों में सब लोगों को तुम्हारे बारे में मालूम हो जाएगा कि तुम कैसी हो और उसके बाद कोई तुम्हारे पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी खुशी, तुम कहीं की नहीं रहोगी। आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरी जिंदगी के हर बात में क्यों दखल देने लगे हैं? खुशी क्या पागलपन है बेटा, तुम हवा में किससे बातें करो? यहाँ कोई नहीं है, देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है बेटा। क्या हो रहा है तुम्हें? कोई नहीं है बेटा। ये क्या हो रहा था खुशी के साथ? यहाँ कौन था? कोई भी तो नहीं था। यहाँ कौन था जिसके साथ ये सब बातें कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? ये सब क्या हो रहा है दुर्गा? मुझे ये बात नहीं समझ आती कि मैं इस वक्त रास्ते में रुककर हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत पड़ गई। आर्यन, मेरा बहुत काम पेंडिंग है और तुम तो जानती हो कि अगले 2 दिन मैंने ऑफ ले रखी है और अगर मैं घर बैठकर काम पूरा नहीं करूंगी ना तो बैकलॉग बहुत हो जाएगा, जिसके मैं 10 मिनट्स टेप्स और फाइल्स लेकर आती हूँ मैं। ओके बाबा, लेकिन जल्दी करना, तुम्हें पता है कि मम्मा पापा ऑलरेडी मासी के घर पहुंच चुके और श्रद्धा के 2 बार फोन आ चुके और श्रद्धा को तो तुम जानती हो। हाँ बाबा, मैं अभी आई। ओके ओके। डॉक्टर,
डॉक्टर, पापा की तबीयत? देखिए, मैंने मिस्टर दीवान को यह तसल्ली दे दी है कि उनकी हालत अब ठीक है और कुछ ही दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल मरीज को अगर सही हालात बता दिए जाए तो रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। इसका मतलब आपने पापा को सच्चाई नहीं बताई ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो ठीक हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। डॉक्टर, मैं नाना जी को देखने जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हो उनसे। लेकिन हो सकता है जो कुछ तुम उनसे कहो वो उनको सुनाई ना दे, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ उनको दी गई हैं उससे मरीज को नींद सी आती है और एक बेहोशी की सी हालत छा जाती है। बहरहाल, तुम मिलना चाहो तो मिल सकती, लेकिन बहुत कम समय के लिए, जस्ट फ्यू मिनट्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, बाय। मैं नाना जी को देखती हूँ। चलो बेटा। आज तुम्हें बिल्कुल वैसे ही रोक लिया गया जैसे कुछ सालों पहले मुझे रोक लिया गया था। वो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देगी और न ही किसी को अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकने देगी। कैसी तबीयत है आपकी नाना जी? I'm so sorry कि आपके साथ ये सब हो गया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी काफी फिक्र हो रही थी, आप मुझे लेकर काफी परेशान भी थे, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे और हम जाने के लिए तैयार भी थे कि आपके साथ। नाना जी, आपको क्या लगता है आपके इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं? प्लीज नाना जी, आपको इन सब बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए और आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये सच है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको भी मुझे यहां से ले जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मेरे पास और भी कई रास्ते हैं कि आपको समझा पाओ, कह पाओ कि आप मुझे ऐसे मत भेजिए। खैर, इन सब बातों का क्या फायदा? आप काफी कमजोर लग रहे हैं नाना जी, आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बुरा सपना देख रहा था, बहुत बुरा। कैसी तबीयत है आपकी नाना जी? I'm so sorry कि ये सब हो गया। मैं जानती हूँ कि आप मुझे लेकर काफी परेशान थे, आपको मेरी काफी फिक्र भी हो रही थी, इसलिए आप चाहते थे कि हम यहाँ से चले जाए और हम जाने के लिए तैयार भी थे कि आपके साथ। नाना जी, आपको क्या लगता है आपके इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ? प्लीज नाना जी, आप इस बात का विश्वास मत कीजिए, आपका भरोसा जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सच है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और आपको भी मुझे यहाँ से ले जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी ना?
मेरे पास और भी रास्ते हैं कि मैं आपको कह पाऊँ, समझा पाऊँ कि आप मुझे यहाँ से मत भेजिए। आप काफी कमजोर लग रहे हैं नाना जी। मैं आपके तकलीफ को दूर करने के लिए क्या कर सकती हूँ? खुशी, क्या हुआ पापा के साथ? क्या हुआ? वरना मैं तो ये तकिया उनके सर के नीचे रखने जा रही थी, सोचा उन्हें आराम मिलेगा। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। दूर हो जाओ उनसे, मैंने मना किया था ना इनके करीब मत जाओ। क्यों जाते हो इनके करीब? हाँ बिलीव मी, मैं बस बस खुशी बस, मैं बहुत सुन चुकी हूँ। ऐसी अजीब अजीब बातें सिर्फ तब होती है जब तुम हमेशा साथ रहती हो। क्यों? अगर मुंबई छोड़कर वो कारेश्वर जाने वाले थे और तब पापा को ये पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, कब? तब तुम थी इनके साथ अकेली, है ना? और जब ऐसी हालत हुई तब भी तुम मेरे देखने आए, है कि नहीं? आज सभी क्या चाहती हो तुम? एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी सकती? चैन की जिंदगी जी, बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब चली जाओ। चिंता और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिया है, और ये सब मालूम है किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से खुशी, तुम्हारी वजह से। मुझे और पापा को छोड़ो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। के केस की फाइल, यहाँ पे एक और फाइल होनी चाहिए थी। राजेश से कहा भी था कि फाइल ठीक से रखना। हेलो, हाँ आर्यन, हाँ हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ काम हो ही गया समझो, सिर्फ कंसल्टिंग रूम से मुझे टेप्स लेनी है। या आई विल बी देयर, बाय। तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का हर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, हर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, हर आदमी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ऐसी अजीब अजीब बातें सिर्फ तब होती है जब तुम हमेशा साथ रहती हो, तुम हमेशा साथ रहती हो, तुम हमेशा साथ रहती हो। क्या चाहती हो तुम? एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी सकती? एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी सकती? एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी सकती? अब चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझे कोई नहीं चाहता, किसी को मेरे जरूरत नहीं, मेरी पत्नी का भी मेरी जरूरत नहीं है। मैं किसी काम की नहीं हूँ, सब कुछ मेरी जिंदगी का, मेरे जीने का क्या मकसद है? तुम जिसके लिए मैं ये सांसें ले रही हूं, तुम जिसके बिना मेरे जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, तुमने ही मुझे मना कर दिया, तुम ही मुझे छोड़कर चले गए। क्यों आर्यन, क्यों, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती? तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है आर्यन? तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ आर्यन, अधूरी हूँ आर्यन। मुझे सिर्फ तुमसे, तुम्हीं से प्यार है।
मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाऊं कहां। हाँ श्रद्धा बेटा, हम घर की तरफ ही आ रहे हैं, डोंट वरी। ओके, लव यू टू, बाय। दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर कुछ गलतफहमी हो गई। वो ये सोच रही है कि आर्यन उसे छोड़कर चला गया है किसी और के साथ शादी करने के लिए। आर्यन को अपने प्यार को भुलाकर मैं भी किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। आज शादी है, वो आ रहा है। मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ और आर्यन ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। आर्यन वापस आ गया मेरे लिए, अपनी मुस्कान के लिए वो वापस आ गया। दुर्गा चलो, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? अब तक अंधेरे में ही थी आर्यन, लेकिन अब सब कुछ साफ नजर आने लगा है।